17वें लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां रुझानों में तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, हालांकि भाजपा भी वहां 10 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। वहीं ओडिशा में भाजपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। तृणमूल 2011 से बंगाल की सत्ता में है। उसने 2014 में प्रदेश के 42 लोकसभा सीटों में से 34 पर जीत हासिल की थी। ओडिशा में बीजू जनता दल के नवीन पटनायक 2000 से मुख्यमंत्री हैं। बीजद ने 2014 में यहां 21 में से 20 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। बीरभूम से तृणमूल की शताब्दी रॉय भाजपा के दूर कुमार मंडल से आगे चल रही हैं। जादवपुर से तृणमूल की मिमी चक्रवर्ती भाजपा के अनुपम हाजरा से आगे हैं। बशीरहाट से तृणमूल की नुसरत जहां रूही भाजपा के शांतन बसु से आगे चल रही हैं। अभिनेत्री मिमी और नुसरत ने इस चुनाव से पहली बार राजनीति में कदम रखा है। गाल में 7 चरण में चुनाव हुए हैं। यहां पर हर चरण में हिंसा हुई, इसके बावजूद यहां 81.84% मतदान हुआ। हालांकि यह आंकड़ा 2014 के मुकाबले कम है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां 82.2% वोट पड़े थे। ओडिशा में 73.1% वोटिंग हुई, जबकि 2014 में 73.8% मतदान हुआ था।